हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 3 जीके बुक की आंसर की सभी चैप्टर्स हम देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। सो लेट्स बिगिन। यस, चैप्टर 1 नंबर 1 इज़ अमेजिंग क्रिएचर। क्वेश्चन नंबर 1, दिस एनिमल राइज इट स्पाइन व्हेन अटैक बाय एन एनिमी। Porcupine, P-O-R-C-U-P-I-N-E. Next, this animal can change its color to hide from enemies. It has long hair, sticky tongue to catch its prey. Chameleon. Next, this animal can sleep while standing. Horse. Next, this Tibetan animal is a beast of burden. It yak. It has long hair all over its body. Yak. Next, this animal can swim as well as run fast. It is found in the Antarctic region. It has strong paws and sharp claws to catch seal, fish, and other prey. Polar bear. Answer is polar bear. Next, this sea animal has horse-shaped head and enamored plate all over its body. Seahorse. Next question, this animal lives in underground tunnel that is built for itself. Mole. This intelligent animal belongs to the family of ape, is very similar to man. Chimpanzee. Next chapter name is family friend with feathers. इसमें क्या है, हमें एक पजल दिया हुआ है तो हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। डाउन में जाएंगे हम, अप टू डाउन, और दूसरा आएगा हमारा अक्रॉस में जाएंगे हम स्ट्रेट। मतलब डाउन तो हम इस तरीके से करेंगे एंड अक्रॉस में लाइक दिस, ठीक है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। द नेशनल नंबर 1 क्वेश्चन इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। आंसर इज पिकॉक। इसमें लिखेंगे हम पी, हमें दिया हुआ है क्लू, फॉर अ क्लू यहाँ लिखेंगे हम पिकॉक। नेक्स्ट, अ लार्ज स्कैंजर बर्ड इज नंबर 2 वल्चर, VULTURE। नेक्स्ट, गुसी गुसी डैश वाइटर शैल आई वंडर। इसमें लिखेंगे हम गैंडर, GANDER। नेक्स्ट, अ न्यूजीलैंडर इज ऑल्सो नॉन बाय दिस बर्ड नेम। आंसर नंबर 6 में लिखेंगे हम कीवी। This is called a kiwi. Next, largest flightless bird, named as ostrich. Okay. Next, a symbol of peace is answer dove. Next, the vehicle of goddess Saraswati, swan. Next, a bird that hunts at night has good eyesight. आउल। नेक्स्ट, अब देखेंगे हम अक्रॉस। अ फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ एन अंटार्कटिक रीजन दैट हैज़ विडलिंग वॉक। नंबर 3 इज़ पेंगुइन। विडलिंग वॉक किसकी होती है? पेंगुइन की। अ बर्ड दैट ले एग इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड। नंबर 5 इज़ कुकू। नेक्स्ट, a water bird with web-shaped feet is duck, DUCK, duck. Next, a carrier of message is called a pigeon, kabutta. Next chapter name is matchless animal. हमें इनको matchless करना है। Number 1, दी हैवीएस्ट इंसेक्ट कौन सा होता है हमारा? हैवीएस्ट इंसेक्ट नेम इज़ नंबर 1 में हम लिखेंगे ये यहाँ लिखेंगे नंबर 1 और डी। डी मतलब इसका जो नेम है जेंट वीटा, जेंट वीटा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखेंगे हम द बिगेस्ट कार्निवोर ऑन लैंड नंबर 2। इसका आंसर आप लिखोगे, ये हमें दिया हुआ है पोलर बियर। नेक्स्ट इसका बी में क्या आंसर देखो, इधर नीचे दिया हुआ है पोलर बियर। नंबर 3 द लार्जेस्ट शार्क नंबर 3, इसमें हम आंसर लिखेंगे इसका लार्जेस्ट शार्क नंबर 3 is H is whale shark number 4 the smallest monkey। smallest monkey हो गया हमारा this, इसमें लिखेंगे हम आंसर पिग्मी मार्मोसेट, मार्मोसेट। नेक्स्ट नंबर 5 the fastest bird G, इसका नाम होता है पेरेग्राइन फैल्कॉन। नेक्स्ट द लार्जेस्ट कैट, नहीं नंबर 6 द स्मॉलेस्ट बर्ड नंबर 6 इज नंबर 6 में हम आंसर लिखेंगे यस ई, यानी कि बी हमिंग बर्ड। नंबर 7 द लार्जेस्ट कैट नंबर 7 सी, इसमें लिखेंगे हम साइबेरियन टाइगर। नेक्स्ट द लार्जेस्ट लिजर्ड नंबर 8 इज कोमोडो ड्रैगन एंड द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इज आई कोरी बस्टार्ड। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यूजफुल प्लांट, ठीक है। अब इसको करेंगे हम, प्लांट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट वी यूज़ ऑफ वेरियस पर्पस। हमें बहुत सारे के प्लांट देखे होंगे और वो बहुत सारी हमारी सहायता करते हैं। राइट द नेम ऑफ 2 यूजफुल थिंग दैट वी गेट फॉलोइंग प्लांट। इन एनिमल से जो भी हम 2 यूजफुल चीज़ें यानी कि काम की चीज़ें बनाते हैं, लेते हैं, उनका हमें नाम लिखना है। सबसे पहले जूट, जूट से हम क्या बनाते हैं, चेयर एंड टेबल। कॉटन, कॉटन से क्लॉथ्स एंड ईयरबड। रबड़, रबड़ से रेन कोट एंड वाटर बॉटल। एंड कोकोनट, कोकोनट से हम ऑयल एंड क्रीम। और बैम्बू से बैम्बू स्पीकर एंड स्ट्रॉन्ग बैम्बू फ्लोर। और नीम से मेडिसिन एंड फर्नीचर। तो यहाँ पर आपके चैप्टर जो है कंप्लीट हो गए। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।